हर जिले में 3 दिन विशेष प्रवास योजना के तहत यहाँ आज बाड़मेर जिले में मेरा 3 दिवसीय कार्यक्रम आज समापन की ओर है। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान ने बीते 4 सालों में अभूतपूर्व विकास के काम किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषकर बाड़मेर जिले के लिए रिफाइनरी जैसी महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य शुभारंभ करवाकर एक बड़ी सौगात बाड़मेर जिले को दी है। गत कांग्रेस सरकार के घाटे वाले MOU को फायदे में MOU में बदलकर पश्चिमी राजस्थान में एक नया सूरज का उदय कराया। यह रिफाइनरी का कार्य शुभारंभ पिछली सरकार ने मात्र चुनावी पत्थर रोपने के लगाने के जैसा किया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में के हाथों से ये कार्य वास्तविक सौगात के रूप में सिद्ध हुआ है। इसके साथ ही बाड़मेर में राज्य सरकार द्वारा बीते 4 वर्ष में लगभग 9,965 करोड़ रुपए के विकास के काम यहाँ पर बाड़मेर जिले के हुए। किसानों के लिए अभी किसान कर्जा माफी में 50,000 तक के कर्जे माफ के लिए लगभग 1.5 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा और लगभग 400 करोड़ का इसको किसानों को फायदा होगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में लगभग 20 करोड़ का रुपये का काम यहाँ पर हुए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत 49 करोड़ के काम यहाँ पर हुए हैं। कृषि प्रौद्योगिक प्रबंधन में के तहत 8.25 करोड़ के काम यहाँ पर बाड़मेर जिले में हुए हैं। नेशनल मिशन ऑफ आयल सीड एंड आयल पाम में लगभग 1.79 करोड़ के काम यहाँ पर बाड़मेर में हुए हैं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को 731 करोड़ रुपए की लागत राहत प्रदान की गई है। किसानों के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए खर्च करके 635 सोलर पंप यहाँ पर स्थापना की गई है। वहीं ड्रिप एम मिनी स्प्रिंगल संयंत्रों का 13.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। ऊर्जा विभाग में जिले में प्रत्येक गांव को रोशन करने के लिए केंद्र सरकार की महती योजना पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत 469 करोड़ रुपये के काम बाड़मेर जिले को मिले हैं। IPDS के तहत शहरों में बाड़मेर और बालोतरा शहर के लिए 14.49 करोड़ का काम यहाँ पर स्वीकृत हुआ है। 33 KV और 11 KV के नए स्टेशन के निर्माण के लिए 35.75 करोड़ के लगभग 132 KV के नए ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के लिए 60.08 करोड़ रुपये की लागत से 32 KV के नए ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिए 90.05 करोड़ के काम यहाँ पर व्यय हुआ है। पेयजल में बाड़मेर में जो पेयजल के बड़ा जबरदस्त संकट था, बाड़मेर लिफ्ट योजना परियोजना फेज 2 भाग बाखड़ा बांद्रा चोखला बाड़मेर लिफ्ट परियोजना फेज द्वितीय उम्मेद सागर धवा समदड़ी खंडप पार्ट तृतीय में बाड़मेर जिले के 180 गांवों हेतु नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना शिवसागर के लिए 205 गांव हेतु नर्मदा गुड़ामलानी पेयजल परियोजना में पोकरण फलसुण बालोतरा सिवाना SPR 2B पोकरण फलसुण बालोतरा सिवाना SPR 4A के तहत बाड़मेर जिले के 234 गांवों हेतु पोकरण फलसुण बालोतरा सिवाना MPR 4B के तहत बाड़मेर जिलों के 152 गांवों हेतु 2935 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर यहां पर पेयजल का काम हुआ है। कार्यकर्ता बड़े आपके सरपंच आपसे नाराज चल रहे हैं, नरेगा का पैसा नहीं आ रहा है, प्रशासन पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई भेज रहा है, कोई नाराज नहीं है। नरेगा के पैसे के बारे में आपके 9 अप्रैल से पहले पर सबको जो है पैसे मिल जाएंगे। अभी पंचायत समिति भाईतू को पैसे मिले हैं और जो उनका ATM खुला है उस हिसाब से मुला बहनी के मिल गया। अब बाकी के जितने भी हैं नरेगा के किसी के बिना 17-16 पंचायत समिति रही है, एक भी बाकी नहीं रहे। आप जो दीनदयाल उपाध्याय की बात कर रहे हैं उसमें डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें और पैसे की जरूरत है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है,
काम शुरू हो चुका है, पैसा और आएगा तो देंगे ना पैसा। बाकी जिलों में काम पूरा हो चुका है, हमारे काम शुरू हुआ है, वो भी ग्राउंड पे काम शुरू नहीं, अभी कागजों में काम चल रहा है। नहीं नहीं, ग्राउंड पे काम चालू हो चुका है, कागजों पे काम चालू नहीं है, ग्राउंड पे काम चालू, काम की थोड़ी गति जरूर दी। आपने जितने काम गिनाए हैं आखिर जनता के बीच में क्यों नहीं गए? दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि पार्टी के जो कार्यकर्ता है वह पार्टी से नाराज है, वह झगड़ रहे हैं भारतीय जनता, उसके लिए आपको जो विशेष तौर से यहाँ भेजा गया था उसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से काम होते हैं, कार्यकर्ताओं की डिमांड रहती है, उस आधार पर विधायक अपनी अनुशंसा करता है और माननीय मुख्यमंत्री उसको स्वीकृति प्रदान करती है। मैं समझता हूं कि जिस तरह की जो आप बात कर रहे हैं वो कार्यकर्ताओं में नहीं है। सर आपके ये वीडियो वायरल हो चुके हैं, वीडियो वायरल हो चुके हैं, आपकी उपस्थिति में कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष के बीच में नोकझोंक होती है और ये विकास कार्यों को लेकर कोई नोकझोंक नहीं हुई है। मैं कल खुद मौजूद था जी। उस मीटिंग में केवल कार्यकर्ता ये कह रहा था कि मैंने फ़ोन किया था आपने उठाया नहीं, वो जिलाध्यक्ष जी ये कह रहे थे कि ये फ़ोन ले लो और आप चेक कर लो, मैंने फ़ोन आपको उठाया और मैंने वापस आपको फ़ोन भी किया। सर इसमें सांसद साहब ने भी एक टिप्पणी की है कि मेरे को वोट नहीं दिए इसीलिए हम आपको काम नहीं करेंगे। देखिए मैं उस कार्यक्रम में खुद स्वयं मौजूद था, सांसद ने ये नहीं कहा कि आप मेरे यहाँ नहीं आए, वो ये कह रहे थे और खुद कार्यकर्ता ने पीए मंजूर स्वीकार किया है कि मैं नहीं गया, पर इसको दूसरी तरफ मोड़ के इसको प्रसिद्ध किया है। आप अंदर मीटिंग ले रहे हैं, बात कार्यकर्ता मीडिया में खुले तौर पे कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ऐसी कोई बात होगी मैं यही हूँ, कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और किसी प्रकार का कोई मनमुटाव होगा तो हम दूर करेंगे। कार्यकर्ता का जरूर मैं मान रहा हूँ कि संगठन के दृष्टि से यहाँ पर कुछ उसकी वार्ता का कुछ गैप रहा है और आपसी विचारों का आदान प्रदान नहीं होने की वजह से बात समस्या सामने आई है। मैं 3 दिन से लगातार यहाँ हूँ और हर विधानसभा में मेरा जाना भी हुआ है, मेरे को ऐसे मुखर होकर किसी कार्यकर्ता ने कहा कि मेरा मैंने ये कहा विधायक को ये कहा वो मेरा काम नहीं हुआ है। संगठन के बीच में कुछ थोड़ा गतिरोध है उसको ठीक करेंगे। सर विधानसभा चुनाव आने वाले गतिरोध अगर इस तरीके से कायम रहा तो ये मेरा तीन दिवसीय कार्यक्रम रहा है, मैं पूरी रिपोर्ट हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, उस आधार पर अगर कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमी है उसको ठीक करेंगे। सीओ विधानसभा का आपको भी पता है और हमें भी पता है कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का भी सामंजस्य नहीं बैठा उसको ठीक करेंगे, आने वाले विधानसभा के चुनाव में सी विधानसभा हम वापस जीतेंगे। वहाँ गतिरोध होने की वजह क्या है, कौन कोई नेता है पर्टिकुलर या कौन पार्टी क्या कमी कर रही है? आप सीओ की बात कर रहे हैं, आपके बालोत्रा में इस तरीके का इशू हुआ, आपके गुड़ामालानी में इस तरीके का इशू हुआ, आपके इस तरीके का इशू हुआ। अरे सर ठीक है, हमारे बालोत्रा में कोई इशू नहीं है, हम सातों हमारे बालोत्रा में कोई इशू ऐसा। चलिए थैंक यू। आप कर ऐसा है कि बालोत्रा में कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, किस बारे में हुआ बालोत्रा में इशू आप बताइए, हमारा कोई वहाँ कुछ नहीं है, हमारे सारे कार्यकर्ता एक ये कार्यक्रमों में विपक्ष के लोग आकर इस तरह की बात षड्यंत्र रचाते हैं, उनका षड्यंत्र है।